हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है फैज और आप सभी देख रहे हैं मोबाइल लवर टेक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आप लोग अपने यूट्यूब चैनल को सजेशन में कैसे ला सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी एक वीडियो दिखाई हुई है जिसमें मैंने अपना चैनल को सर्च किया था और यूट्यूब खुद ही उसे सजेशन में ला रहा था कि आप इस चैनल को सर्च कर सकते हैं। जी हाँ, आप लोग उसे कैसे चालू कर सकते हैं, इसमें के लिए मैं आप लोगों को तीन ट्रिक बताऊंगा। अपने चैनल पर वो करके देखिएगा, आपका सजेशन में चैनल 100% आने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, उन तीनों ट्रिक को लास्ट तक वीडियो देखते रहिएगा तो आपको तीनों चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि किस वजह से यूट्यूब चैनल सजेशन में आता है और क्यों हम लोगों का चैनल सजेशन में नहीं आ रहा है। चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भूल ना हो, हाँ, अगर चैनल पे आ ही गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी इनेबल कर दीजिए ताकि ऐसी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहली ट्रिक ये है दोस्तों कि आप लोगों को रेगुलरली वीडियो अपलोड करना है, मतलब हफ्ते में नहीं या मंथ में नहीं, आप लोगों को सीधे डेली वीडियो अपलोड करना ही करना है यूट्यूब पे। आप कोई भी वीडियो अपलोड कीजिए, चाहे जिस चैनल चीज़ का आपका चैनल हो, आप लोगों को वीडियो अपलोड करना ही करना है और डेली अपलोड करना है। ठीक, ये तो आप लोगों का पहला तरीका हो गया जिसकी वजह से आपका चैनल थोड़ा थोड़ा सजेशन में आने लगेगा, क्योंकि यूट्यूब पे एक प्रोसेस होता है जिसकी वजह से यूट्यूब देखता है कि कौन सा चैनल ज़्यादा ग्रो कर रहा है। इस ज़्यादा ग्रो करने वाले चैनल को वो जल्दी सजेशन मिलाता है। आप जाहिर सी बात है, आप अगर डेली से कोई भी वीडियो डालेंगे, आपके चैनल पे वीडियो वायरल भी होगी किसी ना किसी दिन और आपका चैनल भी ग्रो करने लगेगा और इसी की वजह से आपका चैनल यूट्यूब सजेशन लिस्ट में डाल देगा, जिससे आपके चैनल के दो कैरेक्टर या तीन कैरेक्टर कोई भी लिखेगा तो आराम से आपका यूट्यूब चैनल उसके यूट्यूब के सर्च बार में आने लगेगा कि आप इसे भी सर्च कर सकते हैं। तो ये तो आपका पहला तरीका हो गया। हाँ, चलिए दोस्तों बताते हैं आपको दूसरा तरीका आपका क्या है। तो दूसरा तरीका आपका ये है कि आप लोगों को अपने चैनल में जब भी कोई वीडियो अपलोड करना है तो उस वीडियो में अपने चैनल का नाम कई बार लेना है। मतलब जैसे मेरा चैनल का नाम मोबाइल लवर टेक है तो मैं हर वीडियो में ये कहता जरूर हूँ कि स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर मोबाइल लवर टेक। ये आप लोगों को अपने चैनल के लिए कहना जरूरी है ताकि आपकी वीडियो यूट्यूब समझ सके और हाईलाइट कर सके यूट्यूब के सर्च बार में। इस वजह से आपका चैनल हाईलाइट होने के कुछ चांसेस हैं कि आप अपने यूट्यूब की वीडियो में अपने चैनल का नाम जरूर लें। और दूसरी बात कि आप लोग अपने डिस्क्रिप्शन में भी अपने चैनल का नाम जरूर लिखें। जैसे कोई भी डिस्क्रिप्शन मेरा आप चेक कर लीजिए, उसमें मेरे चैनल का नाम जरूर होगा कहीं ना कहीं। तो इसलिए आप लोग अपने मोबाइल के चैनल का नाम आप लोगों के वो यूट्यूब की वीडियो में और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर लिखें। ये दूसरा तरीका होगा कि आप लोग अपने चैनल को सर्च बार में कैसे ला सकते हैं। जैसे ही आपके कैरेक्टर चैनल के दो ठो कोई लिखेगा, वैसे ही आपके चैनल के सजेशन उसके सामने आ जाए कि आप इस चैनल को सर्च कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका होगा कि आप लोग अपने चैनल को सर्च बार में कैसे ला सकते हैं। जैसे ही आपके कैरेक्टर चैनल के दो ठो कोई लिखेगा, वैसे ही आपके चैनल के सजेशन उसके सामने आ जाए कि आप इस चैनल को सर्च कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों तीसरे तरीके की तरफ। ये आप लोग जरा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये सबसे ज़रूरी तरीका है हमारे YouTube चैनल ग्रो करने का और इसी की वजह से हमारा चैनल ग्रो भी होता है और इसी की वजह से सर्चिंग लिस्ट में भी आता है। तो ये तरीका ये है कि हम लोगों के YouTube चैनल का नाम क्या होना चाहिए। तो नाम पता करने के लिए आप लोगों को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि नाम लोगों को कोई ऐसा रखना है जो YouTube पे पहले से ना पड़ा हो। मतलब आप लोगों को YouTube के सर्च बार में जाना है, आपने जो नाम सोचा है उसे आप लोग सर्च करके देखिए। अगर कहीं पर कोई नाम नहीं आ रहा है तो आप उसे रख लीजिए, लेकिन एक बात और गौर रखिएगा कि किसी भी फेमस चीज़ का आप लोगों को नाम नहीं रखना है, जैसे किसी सेलिब्रिटी का या किसी भी चैनल का दूसरे। आप अगर इन सब का नाम रखेंगे तो आपका यूट्यूब चैनल सजेशन में कभी भी नहीं आएगा और ना ही आपका चैनल सर्च करने पर आएगा। इसलिए क्योंकि अगर आप मिस्टर फैसू के नाम से चैनल चालू कर देते हैं तो जैसे ही आप मिस्टर फैसू यूट्यूब पर सर्च करेंगे, वैसे ही मिस्टर फैसू की जितनी सारी वीडियोज़ हैं वो सारी आने लगेंगी, आपका चैनल कभी नहीं आएगा। इसलिए हमेशा कोई ऐसा नाम रखिए जो सबसे यूनिक हो, मतलब किसी ने अभी तक उसे यूज़ ना किया हो। इस तरीके के नाम को आप लोग सर्च बार में ला सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग अभी सर्च करेंगे मोबाइल लवर टेक तो आपको मोबाइल लवर टेक नाम का कोई भी दूसरा चैनल नहीं मिलेगा क्योंकि अभी तक नहीं बना है। इसलिए अपने चैनल को थोड़ा यूनिक रखिए। यूनिक रखने के लिए मैं आप लोगों को फिर से बता दूं क्या करना है। आप लोगों को सर्च बार में जाना है, सर्च बार में जाने के बाद वहाँ पर अपने चैनल का नाम जो भी आपने सोचा हो उसे सर्च करके देखना। अगर सर्च करने पर आ रहा है वो नाम तो आप लोगों को वो नहीं रखना है, और अगर नहीं आ रहा है तो आप लोगों को नाम अपने चैनल का अपडेट कर देना है। उसके बाद आप लोगों को रेगुलरली वीडियो डालना है, और दूसरी बात अपने चैनल का नाम रखना है, और तीसरी बात ये कि आप लोगों को हर वीडियो में और हर डिस्क्रिप्शन में अपने चैनल का नाम जरूर लिखना है। दोस्तों, ये तीनों ट्रिक्स आप अगर अपनाएंगे तो आप जल्द से जल्द आपकी वीडियो का सजेशन यूट्यूब चैनल का सजेशन करने लगेगा यूट्यूब। अगर आप ये करते हैं तो आपका चैनल ग्रो होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी इनेबल कर दीजिए ताकि ऐसी और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। थैंक यू दोस्तों।